दोस्तों इस वीडियो में हम जो सर्वे लेकर गए हैं, ये सर्वे जो है कर्नाटका की 28 लोकसभा सीटों का है। यानी कि कर्नाटका की जो 28 लोकसभा सीटें हैं, इसमें किस पार्टी को 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कितनी सीटें मिलेंगी, ये आंकड़े अभी आपके सामने निकल के आ जाएंगे। लेकिन एक बार हम नज़र डालते हैं 2014 के रिजल्ट पे। 2014 में लोकसभा 28 कर्नाटक की सीटों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, इस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी को दोस्तों 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 16 सीटें मिली थी। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को 10 सीटें, वहीं बात करें जेडीएस की तो जेडीएस को मिली थी सिर्फ 2 सीटें। लेकिन इस बार कितनी सीटें मिलेंगी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, ये सर्वे आगे आपको बताएगा। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो सर्वे है ये हमारा अपना सर्वे नहीं है, ये इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे है। यानी कि इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे क्या कहता है, उसके हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, इसके आंकड़े हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 2019 के लोकसभा इलेक्शन में किस पार्टी को कितनी सीटें, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस जेडीएस, किस पार्टी को कितनी सीटें। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी को। दोस्तों बीजेपी को 16 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के हिसाब से। नेक्स्ट का जो सर्वे है वो देता हुआ नजर आ, जिसमें बीजेपी को 16, वहीं कांग्रेस को 10। जेडीएस की बात करें तो जेडीएस को इस बार सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये सर्वे जो है इंडिया टीवी सीएनएक्स के हिसाब से ये आंकड़े आपके सामने दिख रहे हैं। और मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट में भी देख लीजिए, यही आंकड़े सेम इंडिया टीवी सीएनएक्स के हैं। ये हमारा अपना सर्वे नहीं है। लेकिन आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं चुनाव प्रसार के पहले के हैं। वहीं जेडीएस कांग्रेस में भी अलायंस भी हो चुका है, लेकिन इसका जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा पार्टियां अपना अपना प्रचार करेंगी, ये आंकड़े कैसे बदलेंगे इसके भी हम जो है जो सर्वेज हैं आके लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज का जो सर्वे है इंडिया टीवी सीएनएक्स के हिसाब से किन पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, यानी कि बीजेपी को 16 और कांग्रेस को 10 और जेडीएस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, आज आपको पता चल पा रहे होंगे इंडिया टीवी सीएनएक्स के हिसाब से। लेकिन अगले अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन और कोई जो है इसी तरह का सर्वे आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आज के सर्वे में इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए सर्वे के साथ।